मिस्टर रायना वो सब बदल गए क्या चल रहा है? हाँ हाँ बस मुझे दिख रहा है सब। तो यार सभी जगह लॉकडाउन ही है यार, बुरा हाल बट हुआ हुआ है अभी फिलहाल तो। बट फर्स्टली कॉन्ग्रेट्स अपने बच्चे के लिए, रियो Thank के you, लिए। brother. Thank you so much. तबियत वबियत सब ठीक है? सब सब चांगला है, सब ठीक है। चांगला है, वेरी गुड। तू बता, हाउ इज एवरीथिंग? समायरा फैमिली सब सब ठीक है यार? पापा सब लोग सब फिलहाल अच्छे हैं। हम लोग लॉकडाउन है तो काफी सीरियसली लॉकडाउन को लिया हुआ है। हम बाहर बार ज्यादा जा नहीं रहे तो मैनेज कर रहे हैं बस। तो वही इधर भी ऐसा ही है, भी एक्चुअली नेटवर्क अच्छा नहीं है यार इम्पोर्टेंट। रहना। नहीं अभी ठीक है अभी, मतलब अभी कोई आ भी नहीं सकता ना, ठीक कर रहे हाँ बात तो सही है यार। और कैसे कैसा चल रहा है बाकी? या देखा था हमने आईपीएल जस्ट स्टार्ट होने वाला था और तुम्हारा कैंप वैम्प चल रहा था, प्रिपरेशन चालू हो गया था तुम्हारा सब बाकी टीमों से। आवाज आ रही है? यार रहना यार, नेटवर्क ठीक कर यार। तेरा खराब है यार, मेरा तो ठीक चल रहा है अभी आई मेरा घर पे बैठा हूँ, फुल नेटवर्क एकदम। नहीं इधर भी पूरा सब ठीक है वो। और बता क्या हो रहा है, कैसे है फैमिली? और मैं ये पूछ रहा कि आईपीएल जस्ट चालू होने के पहले, अभी मतलब लॉकडाउन हो गया उसके पहले तुम्हारा कैंप चल रहा था, प्रिपरेशन चालू था उसके पहले, मतलब मैंने सुना इंजरी हुआ था तुझे, वो नी इंजरी तो सर्जरी किया था उसका। कैसा टाइम, उसके बाद का टाइम कैसे निकला, मतलब क्या क्या कर रहा था, रिहैब और वो सब? नहीं अच्छा चल रहा था रिहैब, हॉलैंड में गया था डॉक्टर के पास, उसने काफ़ी अच्छा ऑपरेशन हुआ, फिर रिकवरी किया, फिर इधर दिल्ली में ट्रेनर था रजनी के साथ किया थोड़ा बहुत, फिर अच्छा ट्रेनिंग किया, फिर सैफ था हमारा यूपी का ट्रेनर, उसने हेल्प किया, वो फिजियोथेरेपिस्ट है। प्लस उसके बाद चेन्नई में कैंप लिया, ग्रेग किंग था, उसने काफ़ी मतलब मोटिवेट किया, तो 2 महीने से अच्छा कैंप चल रहा था उधर, तो काफ़ी थोड़ा बड़ा डिसीजन था कि कैसे करना है, क्योंकि मुझे खेलना था तो मैंने कहा बेटर तरीके से खेलना है जब। हाँ अच्छा, अभी ठीक है? नेटवर्क ठीक है? ठीक है, बीच बीच में ये हो रहा है यार, मतलब बंद हो रहा है चालू हो रहा है। नहीं अभी ठीक है, बेटर है। जैसे बीच हाँ में तो अभी उधर भी आईपीएल का चल रहा था, बीच में मैंने देखा काफी तो ला लीगा पूरा सॉकर का और आउट ऑफ द क्रिकेट जाके ना, जब क्रिकेट नहीं खेल रहा है तो उसके बाद यू डू लॉट ऑफ स्टफ फॉर द एनिमल्स, वो बहुत अच्छा लगता है कि जैसे इतना बड़ा, सबको पता है कि क्रिकेटर तो है ही है, लेकिन जो चीजें करता है अराउंड द गेम वो इट्स ऑलवेज गुड टू सी, कि जैसे तरी जो चीजें हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो उसके बारे में कोई बता कितना हम भी लोगों को? अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है किसी को हेल्प करने की तो करो, और क्या। मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ कि जब हम छोटे थे मैं देखता था कि हालात इतने अच्छे नहीं थे घर में, तो हमें हेल्प की कितनी ज़रूरत थी उस टाइम पे। बट अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है लोगों को हेल्प करने की, तो जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि मैं हेल्प कर सकता हूँ तो मैं वहाँ पर हेल्प करता हूँ। और ये हमारा, मेरा या तेरा, हम दोनों का रोल नहीं है यार ये, बाकी सारे लोग भी जहाँ जहाँ मेहनत कर सकते बचा सकते अपने नेचर को, अपने एनिमल्स को, वो करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम यार जाके बड़े बड़े डोनेशन करो, बड़े बड़े पूरे दिन रात लगा दो उनको मदद करने में, बट एटलीस्ट छोटा छोटा एफर्ट भी काफ़ी हेल्पफुल है। कुछ भी छोटा मोटा चीज़ भी आप कर सकते हो यार, हमें
मुझे याद है यार, जब हम लोग जब टीम में आए थे, मुझे भी ये जानना था कि जब हम टीम में आए थे नए नए, मैं तो तेरे काफी बार आया था, तू बहुत तूने डेब्यू कभी किया था 2005 में, मैंने किया था टू और थाउजेंड फाइव मैं तो आया हाँ था 2005 में, मैं आया था 2007 में, बट उस टाइम पे इतने मतलब सीनियर्स लोग थे टीम में, और इतने माहौल, जो टीम का जो माहौल होता था वो इतना थोड़ा सा एकदम स्कूल टाइप वाला माहौल होता था कि यार तुम हाँ ज्यादा बात नहीं कर सकते ड्रेसिंग रूम में, हाँ तुम ज्यादा यहाँ वहाँ ये नहीं कर सकते, खास करके मुझे तो डर लगता है यूपी पास है यार, यूपी पास बिल्कुल मतलब अगर यहाँ वहाँ से हमने कुछ भी आवाज निकाल दी तो यूपी पा का नजर पहले जाता था कि कौन बात कर रहा है, बस आवाज सपोर्टिव नहीं भी बहुत है चाहिए। ना, पूरा खेलने के बाद लेके यूपी जाते का थे ऑब्वियसली पूरा। हमेशा से सपोर्टिव थे, पहले 2 साल तो हाँ मैं इतना उनके क्लोज नहीं था, बात नहीं कर पाता था, बट उसके बाद मैंने जाना कि उनका जो नेचर है, उनका जिस तरीके का स्वभाव है वो काफी अलग है, तो उससे काफी जो यंग जो बच्चे टीम में आते हैं लड़के, उनको काफी कंफर्ट होता है, अगर आप इतने साल से किसी बंदे को खेलते हुए देख रहे हो और वो सही बात है। सडनली आपको आके हेल्प कर रहा है तो वो एक अलग सा इम्पैक्ट आता है तुम्हारे ऊपर। नहीं, सपोर्ट हमेशा से ही करते हैं। वर्ल्ड कप में भी पूरा कैंपेन था 2011 में, तो पूरा उनका जो हेल्प का चल रहा था किसी को पता ही नहीं चला। जो 100 बनाया था उन्होंने वेस्ट इंडीज में, उनके साथ बैटिंग कर रहा था, तो हाँ मैंने उनको बोला यू पाप ठीक हो, तो एक दो बार उनको थोड़ा वॉमिटिंग हुआ। पूरा वर्ल्ड कप भी ऐसे खेल गया वो, इतना एकदम सॉलिडिटी था पूरा, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग पता ही नहीं चलने दिया कि इतना बड़ा पेन था अंदर। तो आई वो ही थिंक मुझे वो पूछना बहुत है, बड़ा। वो मुझे तुझे पूछना था कि 2011 का जो वर्ल्ड कप उन्होंने जीते, मैं तो था नहीं उसमें, बट घर पे बैठ के मैं देख तो रहा था, वर्ल्ड कप जो जीतना, जो हम जीते फाइनल, बट ऑब्वियसली मुझे पता है कि पहले मैच से लेके आखिरी मैच तक कई सारे ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जहाँ पे ऐसा लगा कि चलो यार अभी हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, हमारे पास टीम है, हाँ हमारे 11 के 11 प्लेयर फॉर्म में है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वैसा कभी ऐसा मोमेंट तुम लोग को या तुझे लगा कि यार नहीं हमें ये, हम ये गलत कर रहे हैं या ये अच्छा कर रहे हैं, ऐसा कुछ पता चला कि मैं ये क्योंकि रोहित, हमारी टीम ये अच्छा कर रही है, बट एट द सेम टाइम ये गलतियां भी हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली यार तुम टूर्नामेंट में जाते हो तो सब कुछ अच्छा तो नहीं होता है, सही गलत चीज बात भी है। काफी होती है। और ये हमने नोटिफाई किया बहुत जल्दी और उसकी वजह से हमें आगे टूर्नामेंट में फायदा हुआ, जैसे मुझे याद है हाँ साउथ अफ्रीका वाला मैच हम हारे, हाँ नागपुर में। हाँ नागपुर में, उधर काफी वहां पे गलतियां हुई, बट इवेंचुअली हमने क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल फाइनल में अच्छा खेला, इसलिए हम वर्ल्ड कप जीते, बट यार कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है जब जब भी लगता है कि यार अभी थोड़ा गलती हो रहा है टीम से, हमको जल्दी से जल्दी सुधारना चाहिए नहीं तो मौका नहीं मिलेगा, ऐसा कोई टाइम था लगा कुछ? नहीं, मुझे जिस टाइम नागपुर में वो मैच आ रहे थे तो मुझे याद है कि हमारी मीटिंग्स हुई थी उसके बाद काफी। वो मीटिंग में गैरी और पाजी, जो सचिन पाजी थे, उन्होंने काफी वो एक अलग, क्योंकि वो एक मैच था कि जो जैसे जब हारने लगे तो आवाज आ रही है, हाँ, तो उन्होंने फिर सारा का सारा यही मीटिंग किया कि हम लोग को पॉजिटिव रहना है, ये मैच हारे कोई बात नहीं। लेकिन जो मीटिंग हुआ तो उसमें हमें काफी चीजें सीखने को मिली कि हमें यूनाइटेड रहना है, सारे लोगों को एक साथ रहना है। तो उसमें गैरी माही भाई पाजी का बड़ा अलग योगदान था वो, तो उन्होंने सारे प्लेयर को कंफर्टेबल कराया, सबको इंपॉर्टेंट दिलाई कि सारे प्लेयर, ये वर्ल्ड कप के प्लेयर जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके हाँ बाद फिर हम लोग नॉकआउट स्टेज में जाने वाले थे, तो वो मीटिंग से आई थिंक मुझे लगता है कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, फिर पाकिस्तान, फिर श्रीलंका, तो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो मुझे लगता है कि वो मीटिंग राइट टाइम पे, हम मैच आ रहे हैं राइट टाइम पे वो मीटिंग हुई, तो 3 बड़े मैच जब जीते तो उसका फील अलग था वो। तो वो अच्छा था एक्चुअली। जैसे लाइक यू सेड, वो एड्रेस करना बहुत जरूरी था। कभी कभी अगर एड्रेस ना करो चीजें तो टीम के प्लेयरों में ना हाँ डाउट आ जाता है वो। वो एड्रेस करना जरूरी है, उसी टाइम पे एड्रेस किया बिल्कुल तो आई थिंक ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि फिर लड़के उस चीज पर ध्यान देते हैं और
वो गलतियां आगे फिर से नहीं दोहराते, नहीं बिल्कुल ऐसा मेरा समझ है। नहीं ये तो आई बिल्कुल मीन वर्ल्ड कप इतना ऐसा टाइम था कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था और सबको उम्मीद था कि हम अच्छा करेंगे, लेकिन जब प्लेयर्स लोग खेलते हैं हम लोगों को ही पता होता है कि सिचुएशन और प्रेशर कितना होता है, खास करके तेरे नहीं लिए। जब तू आया था टीम में तूने सिर्फ क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल तीन बड़े मैच खेले, ठीक है? पहले हाँ लीग मैचेस में आई थिंक तुझे नहीं खिलाया था, यूसुफ एक खेल रहा था मैच उस खेला समय, था, एक एक मैच मैच खेला खेला था हमने। हाँ वेस्ट इंडीज वाला मैच। हाँ था। हाँ, चेन्नई में। हाँ हाँ तो यार, एंड मेरे को अभी भी याद है यूबीपा के साथ पार्टनरशिप क्वार्टर फाइनल में, और इवन पाकिस्तान के साथ वो क्रूशल 30 कुछ बनाया था तूने यार, मेरे को अभी ठीक से याद नहीं है। हाँ वो थर्ड हाँ माइंडसेट उस टाइम पे कैसा था, मतलब प्रिपरेशन वाइज थी। आवाज आ रही है? आवाज आ हेलो, रहा है ना, लेकिन तेरा नेटवर्क जा रहा है यार बार बार। अभी थोड़ा लग रहा तूने होगा लाइव कुछ चैट हो किया अभी रहा इसके पहले किसी के साथ? होगा। हाँ भाई खराब है थोड़ा, लॉकडाउन चल रहा है ना तो क्या करें, अभी खराब हो रहे तो सारे एंगल में अरे बैठ गया हूँ। दीपक नहीं भाई, तूने नमस्कार। चैट किया किसी के साथ चैट जिधर भी किया अच्छे से नेटवर्क था उधर बैठ जा, क्योंकि मैं सबके हाँ जिन लोगों के साथ मैंने चैट किया ना, मैं यहीं पे बैठ के किया हूँ, नहीं तो मैं यहाँ उधर पे ही मुझे कर रहा पता हूँ, है कि उधर मेरा ही 100% नेटवर्क है। थोड़ा प्रॉब्लम होगा वाईफाई में आज कुछ। अभी देख अभी आ रहा है, सब जगह बैठ गया हूँ मैं अभी। हाँ अभी नहीं अच्छा है। वो हाँ, तो जो क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में यही था जो प्रैक्टिस हो रहा था सारा का सारा, तो यूवी क्या बाबा पूछ रहे न्यूजीलैंड में क्या हुआ था, बताओ न्यूजीलैंड में यूवी क्या हुआ था न्यूजीलैंड में, आपको भी पता है यार, वो ओजा को पकड़ पकड़ के हमने मारा था सबने मिलके, और माने उसको माने फिर काका कुछ के कुछ नहीं किया मुरमुरे, था। माने काका के मुरमुरे भी काम हाँ आए थे। हाँ नहीं बट रहना, मैं तेरे को पूछ रहा था तेरा माइंडसेट के बारे में, क्योंकि पहले तू खेल नहीं रहा था, फिर बाद में सडनली आके ये तीन इंपॉर्टेंट मैचेस में तूने खेला, और वो पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया वाला पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट था यूवीपा के साथ, नहीं तो बिल्कुल हम वो शायद मैच हार जाते, क्योंकि हाँ यूवी का तो बैटिंग कर रहे थे अच्छे से, बट सामने किसी को उनका साथ देना जरूरी था, तो नहीं वो युपा ने अगर काफी समझाया उस टाइम पे, जो बैटिंग कर रहा था युपा बोल रहे थे कि बिल्कुल सेंसिबल खेलेंगे दोनों पार्टनरशिप। हाँ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट विद हाँ हाँ तो पाजी थे उधर और वीरू भाई थे ड्रेसिंग रूम में, मैंने पैड पहन रखे थे उधर, तो उन्होंने बोला कि आज तेरा दिन है पाजी मेरे राइट में, देखिए तू मैच जिता के आएगा, तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस लगा कि अब बड़ा मैच है, ऑस्ट्रेलिया है वर्ल्ड चैंपियन और साथ में युवा खेल रहे थे, तो युवा हाँ जब इतना स्ट्रांगली लग रहे थे धीरे धीरे फिर बैट में बॉल लगने लगा तो फिर कॉन्फिडेंस आ गया था, कि काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे लीग मैचेस में खेल नहीं रहे थे, तो फिर गैरी ने हाँ काफी प्रैक्टिस कराया, तो मुझे लगा कि वो काफी गैरी का काफी बड़ा योगदान था कि वो एक्स्ट्रा थ्रो डाउन करता था मुझको, जो कहता था कि 11 प्लेयर इम्पोर्टेंट हैं तो बाहर के 5 प्लेयर भी उसकी किताब में इम्पोर्टेंट थे, तो वो उसका यूएसपी था एज ए कोच, तो वो मुझे काफी कॉन्फिडेंस दिया वो चीज़, तो इसलिए पार्ट चीज़ हाँ नहीं, क्योंकि बाहर बैठ सडनली आप टीम के मतलब टीम से बाहर हो, और सडनली आके आपको खेलना पड़ता है नॉकआउट मैचेस, और एक्सपेक्टेशंस है कि आप उसमें परफॉर्मेंस करो और टीम को जिताओ, इट्स नॉट इजी, मुझे पता है, तो इसीलिए वो मैंने माइंडसेट के बारे में पूछा था। ये तो माइंडसेट तेरा गेम के टाइम था, बट उसके पहले ड्यूरिंग लीग फेज होटल होटल में बैठ के और ट्रेनिंग्स में और जिम सेशन में उतना उतना आसान नहीं था यार, वो बात मानना, मतलब वो उतना आसान नहीं होता है आगे बढ़ना उस टाइम से।
वो किसी किसी के साथ टाइम बिताया, टीम टीम में जो थे, टीम नहीं, वालों के वो साथ बात गैरी कर गैरी रहा था। था, माइक हॉर्न था, और हाँ वीरू भाई, माही भाई, सब लोग जो बाहर के प्लेयर थे ना, जो भी खेल रहे थे, जैसे आशु भाई भी थे जो भी प्लेयर खेल रहे थे, जैसे तूने पूछा कि कौन ऐसा दिन, जो भी माही भाई चीजें कर रहे थे ना, सब क्लिक कर रहा था वो तो, सब हाँ यूवी भाई प्रैक्टिस पे, तो सब एक एक फैमिली की तरह था। तो मुझे लगता है जो मैनेजमेंट था ना रोहित, वो लोग काफी एक एक प्लेयर को इंपॉर्टेंस दे रहे थे। तो मैनेजमेंट का जो स्पेशली आईसीसी ट्रॉफीज होते हैं ना, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि हर प्लेयर उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी वर्ल्ड कप में कोई प्लेयर खेले तो मेक श्योर कि जब भी उनको चांस मिले तो वो रेडी रहे वो। हाँ बिल्कुल। और सी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है यार, क्योंकि 8 बजे को अपने प्राइम मिनिस्टर जी का स्पीच है, तो हमें यार फटाफट वो करना पड़ेगा। बट मेरे को ये भी पूछना था बिल्कुल। कि सीएसके के साथ इतना टाइम बिताया, फ्रॉम ईयर 1 टिल टुडे, सीएसके के साथ तू रहा है और उनके टीम के साथ खेला है, वन ऑफ द सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी इन द आईपीएल। वो स्टिंट के बारे में बताना मुझे। सीएसके में मैंने बच्चूपा से बात किया, उन्होंने बताया माहौल एकदम आराम से चलता है यहाँ पे, सब कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, हम आराम से खेलते हैं। हमारे कैप्टन को काफ़ी क्रेडिट देना पड़ेगा उसलिए। तो व्हाट इज़ योर थिंकिंग, मतलब वैसे ही नहीं, है वट तू भी? लाइक बिल्कुल लाइक यू सेड कि वन ऑफ द सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी, मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस हैव डन मोर कप्स देन अस। तो जो मुंबई इंडियंस की वो जीत तो यार हार जीते हुए करेगी हम, बट सीएसके और एमआई का यार अलग अलग माहौल रहता है। चहल, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? चहल कहाँ कहाँ क्या क्या के लिख रहे हैं वो काले मैं ये बोल रहा हूँ कि सीएसके और एमआई का मैच हमेशा से मतलब मजेदार रहा है, इतने सालों में हमने जब भी खेला एक अलग सा माहौल रहता है मैच में, और दोनों टीम को जीतना बिल्कुल। उनके लिए जीतना जरूरी होता है, क्योंकि अच्छे टीम के साथ कॉम्पिटिटिव टीम के साथ आप खेलो तो आपको भी कॉम्पिटिटिव बनना पड़ता है। बट ऐसा मेरा मानना है कि सीएसके ने अभी तक, आई डोंट थिंक एक भी साल ऐसा रहा है सीएसके का जहाँ पे तुम लोग क्वालिफाई नहीं हो हुए हो प्लेऑफ्स हाँ, के लिए, पूरे वो जो साल। क्रेडिट मैनेजमेंट है ना रोहित, उधर जैसे सर हैं और माही भाई हैं, तूने देखा होगा जो हमारा कोचिंग भी स्टाफ है वो सेम है सारा। वहाँ पे काफी कामनेस ना और ट्रस्ट बहुत अच्छा है उधर, बिटवीन द प्लेयर्स, बिटवीन द डोमेस्टिक प्लेयर्स। तो लाइक यू हैव बिन लीडिंग वेरी नाइसली अराउंड द प्लेयर्स। ऐसे माही का भी वही सेटअप है कि प्लेयरों को कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है। तो हाँ अगर कॉन्फिडेंस रहेगा प्लेयर, तो फिर उसको पता है कि प्लेयर पे ट्रस्ट है, प्लेयर पे वो कोई पूरा का पूरा बैक कर रहा है, तो फिर प्लेयर भी एक्स्ट्रा मेहनत करके ना उसको प्रूव करता है अपनी एबिलिटी को। तो आई थिंक धोनी भाई ने काफी वो प्लेयरों पे वो चीज की है। जैसे तू भी खेला था मिडल ऑर्डर, फिर तुझे ऊपर, तुझे बोला उन्होंने कि तू कर सकता है, सो नाउ यू हैव थ्री हाईएस्ट डबल 100, तो वो बहुत बड़ी चीज है वो। अरे ये चहल को अरेंज मैरिज क्यों करनी है क्या चहल सटिया है यार, लिख रहे लॉकडाउन में पागल हो रहा है और कुछ नहीं। अरे यूपा, जितना आपने मेहनत किया ना ये सब कमेंट लिखने में, उतना मेहनत मैंने आपको नहीं देखा कभी करते हुए, फिलहाल हाल ही हाँ, में। मुझे भी लग रहा है थोड़ा यूवी पाक को थोड़ा मुझसे बात करना यूपा पहले बाल कटवाओ अपने, ठीक है? हाँ अच्छा अच्छा मत लिखो, है पहले बाल लव यू कटवाओ यूवी अपना, पाक ये रॉकस्टार की तरह ये सब सब सर पे लगा के ये वो सब, ये सब कोई चलता नहीं है ना, ठीक है? मेरे को ये जैसे भी एक पूछना मुझे, था हाँ, कि जैसे अभी हमने देखा कि अभी यू नॉट बीन पार्ट ऑफ द टीम फॉर अ व्हाइल, तो वो यार हाउ हैव यू टेकन दैट, बिकॉज आफ्टर प्लेइंग फॉर सो मेनी इयर्स इट इज वेरी टफ, आई नो इट इज वेरी टफ टू बी आउट ऑफ द टीम। व्हाट यू बीन डूइंग ऑल दिस टाइम, जब भी टीम में आप नहीं थे, तुम्हारे टीम में चर्चा होती रहती थी हमेशा, जहाँ तक मुझे पता है जी टीम के बारे में, टीम में हम हमेशा बात करते थे कि रैना को लाना चाहिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसको यूज करना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, बॉलिंग भी है, फील्डिंग है,
वैसे करके यूटिलाइज करना चाहिए प्लेयर को, बट वो बात होती रहती है. बट एनीवे वो आई मीन टीम सिलेक्शन इज नॉट इन आर हैंड्स, और टीम सिलेक्शन में काफी कुछ चीजें कंसिडर किया जाता है, तो अभी पता नहीं थिंकिंग क्या है. बट मुझे ये पूछना है कि उस दौरान कि व्हेन वी हम लोग जब खेल रहे थे एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, तो वो टाइम पे व्हाट वर यू व्हाट वाज गोइंग इन नहीं, योर आई माइंड? वाज ट्राइंग टू डू करेक्ट कर रहा था, क्योंकि इंजरी था, उसके इंजरी मैंने इसीलिए ठीक कराया अपना, क्योंकि ऑपरेशन दूसरा ऑपरेशन था तो बड़ा डिसीजन था मेरा. तो हाँ फुल ट्रेनिंग किया, अच्छा मेहनत किया, फिर मैंने यूयो भी पास किया. उसके बाद साथ में तेरी कैप्टनसी में हम एशिया कप में जीते, जहाँ दिनेश ने छक्का मारा था लास्ट में, तो वहाँ हाँ पे हम जीते. तो क्योंकि फिटनेस हमेशा था, हमेशा से है, बैटिंग हमेशा से है, फील्डिंग का, क्योंकि वो एक हार्डवर्क से आता है वो सारा कुछ. तो मुझे लगता है कि क्रिकेट है अभी, और सिलेक्टर है, जैसे वो सिलेक्शन हमारे हाथ में नहीं है, परफॉर्मेंस करना हमारे हाथ में. और मैंने क्रिकेट को हमेशा इंजॉय किया है, और हमेशा हम लोग इतना साथ में खेले हैं, तुझे पता है कि अप्रोच कैसे है. जितने भी बड़े बड़े लेजेंड ऑफ द गेम है हमारे साथ, सीनियर प्लेयर है, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया हम लोग की जनरेशन को. तो आई हाँ थिंक जब थिंग्स आर नॉट गुड, तो वी नीड समवन हु कैन रियली सपोर्ट अस एंड शो द वे कि क्या कर सकते हैं उसमें. तो मुझे लगता है इफ समवन डज इट, तो काफी सारे प्लेयर जो हैं वो बहुत सारी चीजें अच्छी कर सकते हैं. मुझे मुझे भी ऐसा लगता है कि यार जो भी इतने साल से हमने देखा है, मैंने तो देखा ही है इतने पास से, बट लोगों ने भी देखा है तुझे खेलते हुए. सो आई समवेयर फील कि यू नो कहीं ना कहीं से टीम में मौका मिलना चाहिए, बट अभी देखो क्या होता है आगे. वो जो है तुम्हारे हाथ में वो ही हमें करना बिल्कुल, चाहिए. मैं भी नहीं काफ़ी नहीं सही टाइम के बात. बाहर था, और उस टाइम पे जैसे वर्ल्ड कप मेरे लिए बस बेस्ट एग्जांपल था. जब मैं 2011 वर्ल्ड कप टीम में शामिल नहीं था, तो काफ़ी कुछ मेरे दिमाग में भी चल रहा था. फिर मैं भी ये सोच रहा था कि अपने आप को सुधारा कैसे जाए. तो मैंने अपने पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देखा, मैं किस तरीके से आउट हो रहा था और कैसे क्या गलतियां कर रहा था, तो वो सुधारने की कोशिश कर रहा था. तो वैसा आई मीन इट इज हार्ट ब्रेकिंग, इट इज डिसअपॉइंटिंग व्हेन यू आर नॉट व्हेन यू आर अवे फ्रॉम नहीं, द बट टीम. जैसे जैसे तूने अभी बैटिंग किया वर्ल्ड कप में, 5-6 हंड्रेड ने, बड़े बड़े 100, तो आई सॉ योर फेस व्हेन यू वर सो सैड. यू आई फेल्ट कि वो वर्ल्ड कप पूरा तेरे लिए, जैसे तू बैटिंग कर रहा था और इजी नहीं था ऐसे बड़े बड़े 100 बनाना, तो वो बड़ा हार्ट ब्रेकिंग था सब लोगों की, इंडिया के लिए, फैंस के लिए, कि हार्ट ब्रेक तो थोड़ा. इसलिए था क्योंकि यार वर्ल्ड कप जीतना होता है, क्योंकि बिल्कुल इतना आसान नहीं होता है 7 या 6 अलग अलग टीम को हरा के फाइनल जीतना. तो वर्ल्ड कप जीतने का अपना अलग ही मजा है यार. बायलैटरल सीरीज आप बहुत जीतते रहोगे, बहुत हारोगे, बट वर्ल्ड कप जीतना या हारना जब होता है, वर्ल्ड कप जीतते हो तो आपका जो फीलिंग होता है वो दुगना हो जाता है, और जब हारते हो सही तो बात, दुगना ही उतना ही कम दुगना. भी हो जाता है. इसीलिए इतने फीलिंग्स और इतने इमोशंस अटैच रहते हैं जब आप वर्ल्ड कप की बात करते हो. आई थिंक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, ये 3 वर्ल्ड कप अभी जो आ रहा है, 2 T20 वर्ल्ड कप है और 1 50 ओवर वर्ल्ड कप है, तो उसमें से एटलीस्ट, मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं हमें एटलीस्ट 2 2 वर्ल्ड कप जीतना चाहिए एटलीस्ट. नहीं, बिल्कुल वो मतलब जीतेंगे, जैसा फॉर्म है तेरा. तीन जीतेंगे तो कोई मतलब उसमें कोई हर्ज नहीं है, बट 2 तो जीतना ही है यार. हमारे पास टीम है अच्छा, एंड आई रियली विश दैट यू नो यू तू कम बैक. चार जीत चुका है ना मुंबई इंडियंस के लिए, अभी 3 और तेरे पास है, अभी तो 3 और जीत सकता है आईसीसी के लिए. अभी होपफुली यार मेरे को बाकी सबका सपोर्ट भी चाहिए यार, मजा आएगा फिर. बिल्कुल सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि यू बीन ऑलवेज सपोर्टिंग टू लॉट ऑफ यंगस्टर, क्योंकि तेरा चीज जो है गेम का. एंजॉय करता हूँ यार उनके साथ, मजा आता है मुझे. नहीं, हम 2018 में भी जब वर्ल्ड कप के मैचेस देखने जाते थे, चहल, तू, मैं, मनीष और अपना कुलचा, कुलदीप, तो यू हैव दैट लीडरशिप ऑलवेज, मैनेज एवरीथिंग और अराउंड द टीम, गिव दैट स्पेस ऑल्सो, क्योंकि वो बड़ा मैटर करता है कभी कभी ना, तो यू नो दैट क्वालिटी टाइम कब है, फनी टाइम कब है, तो प्लेयर्स नीड दैट फ्रॉम द सीनियर प्लेयर, एंड यू हैव डन इट वेरी नाइसली अराउंड द मुंबई इंडियंस, अबाउट द इंडियन टीम. मतलब इंजॉय किया मैंने ये फेज जो था, ये इंजॉय किया क्योंकि मुझे पता है, मैं याद करता हूँ जो इनिशियल फेज था पहले 5 6 साल वो कितना टफ था. और हमेशा सोचता रहता था कि कभी मैं क्रिकेट खेल पाऊंगा, इससे ज़्यादा खेल पाऊंगा या नहीं खेल पाऊंगा, मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने देश के लिए. ये सब थॉट्स आते रहते थे क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो मिला था बट कुछ कर नहीं पा रहा था, मतलब कुछ अलग नहीं कर पा रहा था. अलग मतलब
टीम को जिताना अलग 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 सिचुएशंस में जाकर, और सिंगल हैंडेडली टीम को जिताना, टीम के लिए परफॉर्मेंस करते रहना, ये सब हमेशा से मेरा ड्रीम था। बट बिल्कुल इनिशियली इनिशियली ये हो नहीं पा रहा था कंसिस्टेंटली। अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसको अच्छे तरीके से यूज करूँ। मेरे लिए स्कोर इम्पोर्टेंट जरा भी नहीं है, मैं स्कोर के बारे में नहीं सोचता हूँ। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मैच जीतना मैं जीतना और हूँ। वर्ल्ड कप बिल्कुल जीतना है। वर्ल्ड कप जीतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यार, नहीं, बिल्कुल जीतेंगे वर्ल्ड कप। तो और आई होप कि हमारे पास ये सारे लोग जो भी होंगे टीम में वो मेहनत करके हम जीते। यार बिल्कुल मेरे को ब्रदर, पता नहीं, शायद तुझे पता होगा यार, लोग पूछते रहते हैं धोनी भाई का क्या होने वाला है। मुझे तो कोई आइडिया नहीं है भाई, तू अभी सीएसके में उनके साथ था, नहीं मैंने तुझे मुझे मैंने खेला उधर अभी साथ में, रोहित बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और फिटनेस भी है, तो वो तो आई थिंक उनको ही, उनसे ही पूछना पड़ेगा उनके माइंड में क्या है, क्या उनका प्लान चल रहा है अभी। बट वो बैटिंग वाइज, क्वालिटी वाइज, कीपिंग वाइज सारी चीजें हैं, बट अभी जैसा लॉकडाउन सबके लिए, हाँ तो क्या प्लान करेंगे सब लोग, कैसा उनका है। तो मुझे लगता है कि उनके अंदर क्रिकेट बाकी है, और जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे तो जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे वो। हम तो आई होप फिर उनको खेलना चाहिए यार, अगर अच्छा बैटिंग कर रहे हैं तो क्यों नहीं खेलना चाहिए, क्यों नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल नहीं, उनका अब उनसे ही, उनके दिमाग में पता होगा उनको क्या प्लान कर रहे हो, कि बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रही है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आई थिंक एक बेस्ट होगा कि वही आके पूछें, बताएं कि क्या है, खेलना है कि नहीं खेलना है, या कैसे उनको करना है, तो वही बता सकते हैं। वो जब आएंगे बाहर तो लोगों को पूछना चाहिए कि क्या प्लान है भाई, बताओ। हाँ आई होप यार, मतलब ऐसा हो। सी अगर बिल्कुल मैं लास्ट फाइनल अगर मैं पूछना चाहूंगा कि मेक योर बेस्ट CSK 11 तो क्या होगा, व्हाट विल बी योर बेस्ट CSK 11 ऑल टाइम, ऑल टाइम मतलब पहले साल से लेके अभी तक। ऑल टाइम, अगर मैं अभी एकदम से उसके लिए थोड़ा प्लान करना पड़ेगा, लिख के थोड़ा वैसे ना सोचना पड़ेगा मिड ऑर्डर में। जैसे मैं अगर मुंबई इंडियंस और सीएसके का हम लोग बेस्ट IPL 11 बना सकते हैं, कुछ प्लेयर मुंबई इंडियंस से, कुछ सीएसके से, दैट वुड बी हाँ फैंटास्टिक। तो चलो ठीक है, मेरे को 5 प्लेयर बता दे MI के और 6 प्लेयर हाँ CSK के। हाँ मैं ठीक है, मैथ्यू हेडन, रोहित शर्मा, ओपन, तीन अबे यार नहीं नहीं नंबर नहीं 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 ओपन मुझे मत करा अगर भाई, पाजी है वहां अच्छा पे। ठीक है, अच्छा हाँ हाँ हेडन, हाँ हेडन मुझे पाजी, करना चाहिए। पाजी और हेडन, नंबर 3 तू, नंबर 4 मैं, नंबर मैं पांच चार चार पे ठीक हूँ। नहीं, 4 नहीं, तू 3 खेल, मैं 4 नहीं खेलूंगा। मैं 4 पे ही खेलता था MI के लिए, तो 4 पे खेलूंगा मैं, ठीक है। अबे नहीं भाई तूने इतना रन CSK 3 पे जाके बनाया तो 3 पे खेल ले, कोई नहीं, नहीं। फिर लेफ्ट ही राइट ही कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा ना, ऊपर लेफ्ट ही राइट ही है, फिर तू हाँ लेफ्ट चलो ही, फिर ठीक है, अगर राइट लेफ्ट ही आउट हो गया तो लेफ्ट राइट ही जाएंगे, राइट ही आउट हो गया तो राइट ही। 5 पे ही कौन जाएंगे आएगा? 5 पे। मैं चाहता हूँ कि पॉली और MS के बीच में कोई डिसाइड कर सकते हैं, हाँ तो वो 5 6 MS और पॉली हो गया, चल ठीक है। ठीक है। और 7 नंबर पे मैं चाहता हूँ कि अपने युविपा, उनका वो बॉलिंग का भी एक्सपीरियंस है, प्लस अच्छा उनका बैटिंग भी वैसे ही है वो, तो अगर उनको लगता है कि वहां पर वो नंबर पे, मुझे लगता है सुटेबल है, जैसे 14 16 के बाद, फिर हाँ मुझे लगता है हार्दिक, युविपा और बुमराह, और हमारे से मैं चाहता हूँ LV मौकल। तो वो जो कॉम्बिनेशन है ना दोनों ऑलराउंडर, मुझे लगता है ऑलराउंडर बहुत बेटर करते हैं 2020 में, जो यूजफुल हों तो देख भाई मैंने तेको सिर्फ 5 ऑप्शन दिया था MI का, पाजी वो। है, हार्दिक, पोलार्ड और बुमराह। बुमराह, बज्जू बाबा वो किधर से खिला रहा है, MI से खिला रहा है या CSK बज्जू बा, अभी तो CSK से खेलेंगे से? हाँ बज्जू चलेगा ठीक है, चल 5 हमारे हो गए और अभी 6 तुम्हारे बता मुझे। MS, माई तू, भाई, बज्जू मैं, बाबा, बज्जू बा, हेडन, धोनी भाई, नहीं धोनी भाई नहीं, उन्हें हेडन को गिना मैंने, हेडन और चार, LV मोकल 5 1 प्लेयर बचा है और बस। और DJ ब्रावो और जडेजा साथ में। नहीं फिर जडेजा और ब्रावो में तेरे को एक 12 12 12 बजे हो जाएगा फिर। नहीं फिर 15 का बनाना पड़ेगा ना, बीच में किसी को इंजरी, इतना 1.5 महीने का ट्रैवल है नहीं ना ग्यारह ब्रदर, चाहिए भाई सिर्फ। चल 11 चल फिर कोई नहीं ठीक है, 11 मैं देख लेते। और 5 प्लेयर कौन कौन है तेरी तरफ से, पाजी, हाँ बोला ना, पाजी,
एक्चुअली यार अपने आप को गिनना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं अपने आप को नहीं गिनूंगा। नहीं, मैं अभी मतलब इसलिए बोल रहा हूँ, हम दोनों एक्चुअली सिलेक्टर बन जाते हैं दोनों टीम के लिए, हम दोनों हेडन, नहीं खेलते। हाँ हाँ चल ठीक है, वैसे करते हेडन और हेडन पाजी। सचिन। नंबर 3 पे मैं खिलाऊंगा डुप्लेसी को, ठीक है। किसको? 4 पे आएगा डुप्लेसी, डुप्लीसी। ठीक है, डन। हाँ डुप्लेसी, डुप्लेसी को खिलाऊंगा 3 पे। 4 पे खिलाऊंगा राइडू, राइडू को भी हम डाल सकते हैं टीम में, वो भी मैं बोलने वाला था। वो सीएसके से देखो, राइडू मेरे मैं चार खाता हूँ कि पांच, तीन नंबर राइडू खेले, 4 नंबर डुप्लीसिस खेल सकता है, क्योंकि राइडू नया बॉल का बड़ा तगड़ा प्लेयर है अभी, जो बीच नहीं में राइडू रिसेंट जिसका चार पे अच्छा फॉर्म। खेलेगा, राइडू ठीक है, चार पे चार अच्छा हो गए, खेलेगा, हम राइडू दोनों सिलेक्टर चार। नहीं बन सकते। 5 पे आएगा एमएस और पोलार्ड, 5 6 7 हार्दिक पांड्या, 7 हार्दिक पांड्या हो गया, आठ हार्दिक। हाँ पे बच्चूप्पा हो गए, 9 पे हाँ साले ब्रावो कहाँ गया, ब्रावो तो ब्रेवो चाहिए चाहिए भाई, यार, ब्रेवो पोलार्ड। हाँ ब्रेवो तो गेम ब्रेकिंग है। हार्दिक और ब्रावो ऐसा हो जाएगा फिर। कोई नहीं छोड़ो, इतना प्लेयर ले लो बस, हो गया 7 8 प्लेयर। नहीं 5 प्लेयर मैंने बताया ना, मेरे 5 बॉम्बे के प्लेयर ये होंगे, पाजी, हार्दिक, पोलार्ड, बुमराह और राइडू, ये 5 हो गए, ठीक राइडू, है। तो और राइडू तो तुम्हारे 6 सीएसके से प्लेयर खेलेगा रहेंगे, ना। अबे किधर से भी खेलने दे, राइडू या होने दे या वहां, दोनों एक ही बात दोनों ही है। सेम है। हाँ हाँ तो वहां सीएसके से हो गया हेडन, डुप्लेसी, माय भाई, हेडन हेडन डुप्लेसी, एमएस, ब्रावो, ब्रावो, जड्डू और बज्जुबा हो गया ना 6। जड्डू और भजूबा। मैं सोच रहा था, बट ऑलराउंडर हमारे पास हो गए हैं, ब्रावो हो गया है, पोलार्ड हो गया है, तो अच्छा टीम है एक्चुअली। और हम अरे दोनों हार्दिक भी है, तो अभी वो धोनी भाई को हैंडल करने दे, वो कैप्टन होंगे ना टीम के। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट राइट में बैठ के उनको मोटिवेट करेंगे, खेलेंगे, उनको वाटर मैं देंगे, ऐसे करेंगे। बनूंगा, अंपायर बन सकते हैं मैं दोनों। नहीं, मैं बन जाता हूँ, क्या बोलते हैं, मैं असिस्टेंट कोच बनता हूँ, तू फील्डिंग कोच बन जाए, और फील्डिंग कोच ठीक और बैटिंग कोच। है, और जो लोग रह गए हैं उनको, जैसे डीजे हमारे पास भी रहने से, वैसा उनको रोल दे देंगे, दो चार जो लोग बचेंगे ना, वैसा कर सकते हैं। हाँ वो नो वरीज, बट तगड़ा टीम बनेगा वो। बिल्कुल। और बाकी अभी फैमिली के बारे में मुझे एक लास्ट एक दो सवाल पूछना था। योर वाइफ इज डूइंग वेरी, आई मीन शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब विद द चाइल्ड केयर, आई थैंक रियली यू वांट टू बहुत अप्रिशिएट शुक्रिया। दैट, एंड यू बोथ हैव प्लेड अ बिग रोल। माय वाइफ हैज टोल्ड मी अबाउट इट कि यू नो यू गाइज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। हाउ डिड इट कम टू यू, मतलब ये ख्याल कैसे आया ये करना है अपने को, और नहीं, आई थिंक हाउ यू डिड इट रिमेम्बर, स्टार्ट? जब हम वी स्पेंड क्वाइट अ बिट टाइम ना यूरोप में, थोड़ा बीच में उधर काफ़ी चीज़ देखा, चाइल्ड केयर कितना इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, वुमेन सेफ्टी कितना इंपॉर्टेंट है, और जैसे प्रियंका का नेचर है, शी इज़ लाइक वेरी प्रोफेशनल इन हर डिसीजन मेकिंग एंड शी हैज़ डन इट इन पास्ट। सो मुझे लगता है कि सेफ्टी, वुमेन की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पेक्टिंग द चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड अब्यूज़ हो गया या बहुत सारा प्रोटेक्शन है, क्योंकि इंडिया वी डू समटाइम हम करते हैं रोहित, लेकिन जैसे हम लोग की वॉइस इतनी लोग सुनते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, एंड यू कांट बी वायलेटेड, नहीं कर सकते, वायलेंस नहीं हो सकता उनके आसपास। तो इन अ वे आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, एंड अच्छा लगता है जब कोई किसी की मदद करे, लाइक यू सेड नहीं, अर्लियर, तो बहुत कि अच्छा काम कर बहुत रहे हो, अच्छी बात है वो। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि हमारे देश में ऐसे लोग लोग चाहिए जहाँ पे सामने से आए और हेल्प और मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाइए, बहुत जरूरी है। आई थिंक बहुत कम लोग करते हैं ऐसा, तो इसीलिए मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई हमारे सोसाइटी के लिए जो भी मेहनत करता है या काम करता है, मुझे अच्छा लगता है। सो इट वॉज नहीं इम्पोर्टेंट फॉर मी बिल्कुल, टू अप्रिशिएट हाँ दैट। नहीं, जैसे यू बीन आल्सो डूइंग एनिमल्स का पूरा, उनको सेफ्टी ऑफ डॉग्स का पूरा करना सारा कुछ, और बीच में राइनासोर्स जैसे वो पूरा साउथ अफ्रीका में पूरा कैंपेन करना, आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड टू कनेक्ट विद एनिमल्स ना, उनको इतना चीज़ें होती हैं, तो बहुत नहीं अच्छा अगर वो कैंपेन्स है वो सब।
अगर हम देखें इतने, जैसे हम अपने आप का ख्याल रखते हैं, वैसे एनिमल्स भी जो है वो अपने आप का ख्याल वहीं पे अपने घरों में रखते हैं, बट बिल्कुल हम उनके घर पे जाकर उनको परेशान करते, उनको मार देते और ये सब करते। तो हम अगर वो लोग हमारे घर में नहीं आते, हमारे सामने नहीं आते, तो हमको भी वहां पे नहीं जाना चाहिए। मेरा सही एक बात सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है जो है कि भाई वो अपना जी रहे आराम से, उनको जीने दो, है। हम बिल्कुल अपना जी रहे इधर, हमें अपने आराम से जीने दो, वो लोग हमारे बीच में टांग नहीं बिल्कुल डालते, ना हमको उधर जाके कुछ करना चाहिए। तो मेरा मानना बिल्कुल ये है, आई थिंक इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा आवाज उठाना पड़ता है कि यार कहीं कहीं ज्यादा बहुत बुरी तरीके से होता है। अफ्रीका स्पेशली, अफ्रीका में बहुत हाँ बुरी तरीके से हैंडल किया जाता है एनिमल्स को, खास करके राइनो को। तो हमें ये सब हाँ चीज का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। केविन पीटरसन जो है वो बिल्कुल काफी काफी अच्छा काम कर रहे हैं अफ्रीका में। बिल्कुल मैं काफी टच में रहता हूँ, तो पता चलता है कि किस तरीके का काम कर रहे हैं वो। इंडिया में भी आके अभी वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो उनके तरफ से वो काफी अच्छा है वो कुछ बिल्कुल। कोशिश नहीं कर रहे अगर हैं जो कि अच्छी। जैसे बिल्कुल यू बीन डूइंग सो मच फॉर देम, सारी चीजें नहीं यार वो तो हम मतलब नहीं, हेल्प जरूरी है ना, लोगों को इनिशिएटिव लेना रखना पड़ेगा, सही आगे है। आना पड़ेगा। और तेरा इनिशियली से स्टार्टिंग में ही था जब, क्योंकि तेरा जब हम लोग घर पे आए थे याद होगा, से मिले थे। हाँ कैन यू हियर मी? हाँ आवाज आ रहा है, बता। तो वही विशाल जब था, वो सारा तेरे दोस्त, वो कितना सारी चीजों को लेके बड़ा प्रिकॉशन करते थे, एक एक चीज सेफ्टी। और मुंबई इज अ प्लेस वे यू कैन लिव योर ड्रीम, यू कैन लिव एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, एंड वहां पर एक अलग ही है वो। आई लव दैट प्लेस। आई हैव गॉट एयर इंडिया का वहां से स्कॉलरशिप, वहां से इतना क्रिकेट खेला। हमारे आमरे सर हो गए, अपने वैरी सर हो गए, हमारे पिंगे सर हो गए, तो वो जगह ने बहुत सारे लोगों को दिया है वो। अगर हार्ड वर्क करो तो सब कुछ मिलता है लाइफ में, और उसका शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, तो इसी के साथ हमें लग रहा है कि अभी हमें एक दूसरे को अलविदा कहना चाहिए। आई रियली होप कि आप जल्द से जल्द टीम में आ जाए और टीम को मदद करें वर्ल्ड कप जीतने के लिए। कैन यू हियर मी? सुना क्या मैंने बोला कुछ? नहीं ब्रदर, नहीं, आई मैं ये बोल होप। रहा हूँ कि बस आई होप कि यू कम बैक इनटू द टीम एज क्विकली थैंक यू एज यू सो कैन मच। एंड हेल्प अस विन द वर्ल्ड कप। श्योर ब्रदर मैन, यू टेक केयर, लॉट्स ऑफ गुड लक लव टू एंड योर टेक फैमिली। केयर, बेस्ट थैंक यू रिगार्ड्स टू द ब्रदर। फैमिली। श्योर मैन, सी यू, सी यू सीन, बाय। टेक केयर, सी यू बाय। सियोरेना, टेक सी केयर। यू।